सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जस्ट डॉलर फ्रॉम पिक्सरीज। तो आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा थीम सॉन्ग लेके आया हूँ, जो कि है बहुत ही आइकॉनिक गेम का थीम सॉन्ग है, दैट इज GTA San Andreas। और अभी रील्स पे भी और शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। सो मैंने सोचा इसको भी हमारे जो प्यारे से व्यूअर्स, प्यारे से ऑडियंस है, उसको सिखाया जाए। ठीक है, सो पहले मैं प्ले करता हूँ पूरा, देन सीखेंगे। ओके, सो आज इसको सीखेंगे। बहुत ही आइकॉनिक गेम है, आपने भी खेली होगी, मैंने भी खेली है, इसलिए आज इसको सीखेंगे। सो इसका जो टोन है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो एंड तक टोन के लिए बने रहना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जी से स्टार्ट करेंगे। सो पहले कितना सीखना है, इतना सीखेंगे। सो अब यहां पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि एक जी है, दूसरा जी हायर ऑक्टेव का है, मतलब दो जी ऐसे नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। ऐसे प्ले करना है, ठीक है, एक जी लोअर ऑक्टेव, एक जी हायर ऑक्टेव। सो इतना देख लिया। नाउ नेक्स्ट लाइन, सिंपल सी लाइन है। सो फिर से देखते एक बार, ठीक है, पूरा देख लेते एक बार। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इसके टोन की। सो इसके टोन में, मतलब मेरे कीबोर्ड में जो टोन की सेटिंग है, दैट इज 044। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्रॉबार ऑर्गन 2। अब स्पेलिंग क्या होगा इसका, स्पेलिंग इतना ज्यादा, इतने स्क्रीन में इतना ज्यादा दिखाना पॉसिबल नहीं होता। सो क्या लिखा है यहाँ पे, DRWBORG 2। इसका पूरा नाम होगा ड्रॉबार ऑर्गन 2। सो ये है टोन। सो आप इसको प्ले कीजिए, और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और यहाँ पे जो ये बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और पिक्सरीज को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।